हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। के पूर्व सीएम ने सबूतों के साथ किया खुलासा कि मोदी विदेश में खा चुके हैं गौमांस। अगर हम भाजपा के अभी तक के कामों पर नजर डालें तो देखते हैं कि सरकार ने अपने शासन के आधे से ज्यादा समय निकलने के बाद भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि देश की तरक्की की राह पर जाए। वहीं दूसरी ओर ये गाय की राजनीति पर इतने सालों से लगी हुई है और सत्ता मिलने के बाद भी गाय को लेकर ही राजनीति हो रही है। मेघालय में तो लोगों ने यहाँ तक नाराजगी है कि भाजपा के 5,000 कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये पार्टी बस गाय की राजनीति करना जानती है और बीफ को लेकर विरोध करते हुए बड़ा बवाल काटती है, जबकि दूसरी ओर हकीकत पर नजर डालें तो इस पार्टी को फंडिंग करने में बहुत बड़ा हिस्सा बीफ निर्यात करने वाली कंपनियों का ही रहता है और इसका बाकायदा सबूतों के साथ खुलासा भी हुआ है। इतने सारे खुलासे होने के बाद भी भाजपा लगातार लोगों को बेवकूफ बना रही है और हैरत की बात यह है कि इसके समर्थक सब जानकर भी आंख बंद करके बेवकूफ बन रहे हैं। वहीं एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनकर शायद अब भक्तों की आंख खुली जाए और अगर वो खोलना चाहे तो। केरल के पूर्व सीएम वीएस अच्युतानंद ने वहां की विधानसभा में बोलते हुए मोदी की विदेश यात्राओं की विवेचना की और कहा, मोदी ने विदेश यात्रा के दौरान गौमांस का सेवन किया है। साथ ही साथ सत्र में बोलते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की पशुओं को बिक्री को लेकर जारी निर्देशों की निंदा भी की है। इससे पहले 2003 में कांग्रेस ने भाजपा के ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर भी गौमांस के सेवन का आरोप लगाया था। उनका कहना है कि भाजपा गाय को मां बताकर महज एक प्रकार की नई राजनीति को जन्म देने की कोशिश में है। अगर हम बात करें आईबीटी की रिपोर्ट की तो उसके अनुसार अच्युतानंद ने केवल विधानसभा में भाजपा के अकेले विधायक राजगोपाल को घेरते हुए ये बातें बोली। आगे अपनी बात बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का एक सूत्रीय कार्यक्रम बस मांस कारोबार का एक अधिकार अडानी और अंबानी को देना है। यहाँ पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि भाजपा वाले बैल को पिता मानने से कतराते क्यों हैं? क्या इसमें गौमाता को असुविधा होती है? आपको ये भी जानकारी दे दें कि जब कांग्रेस ने 2003 में वाजपेयी पर गौमांस सेवन का आरोप लगाया था तो उनका कहना है कि वो ऐसा करने की अपेक्षा मरना ज्यादा पसंद करेंगे। माइंड द न्यूज़ रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।